दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, रुझानों में प्रचंड जीत की ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुख्यालय में पसरा सन्नाटा। जी आपको बता दें, बीते 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए थे, इसके नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं, जिसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है। आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर आगे बनी हुई है और वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 से ज्यादा सीटों पर आगे है। अभी तक के जो हाल है उसके मुताबिक बीजेपी ने हार कबूल कर ली है। और आपको आगे बता दें कि समाचार एजेंसी ANI की ओर से जारी की गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रुझानों को देखते हुए आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी और दिल्ली 70 सीटों में आपको 67 सीटें बीजेपी को 3 और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। बीते चुनाव में 67.47% मतदान हुआ था। आम आदमी पार्टी को जहां 54.3% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 32.2 और कांग्रेस को सिर्फ 9.7% वोट मिले थे। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की हैं, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में जीत के बाद क्या होगा अरविंद केजरीवाल का अगला कदम, दिए हैं ये संकेत। जी हां, हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी तक के रुझान के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है। और इससे पहले 8 फरवरी को हुए मतदान के बाद जारी एग्जिट पोल में भी अनुमान जताया गया था कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का जादू चल गया है। हालांकि भाजपा के नेता लगातार दावा करते रहे कि एग्जिट पोल गलत निकलेंगे और दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी। इस बीच रुझानों में बहुमत मिलने के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक देने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें चुनावी नतीजों में बहुमत मिलता देख आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक मोबाइल नंबर लिखा पोस्टर जारी कर दिया गया है और यही पोस्टर आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर भी लगा दिया गया है। इस पोस्टर में लिखा है, राष्ट्र निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े और जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल दें। मतलब साफ है कि दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से दस्तक देंगे। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि एक बार फिर से अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर कसा तंज, बोले हिंदुत्व साबित करने के लिए मुझे झंडा बदलने की जरूरत नहीं है। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना को हिंदुत्व साबित करने के लिए अपना झंडा बदलने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने अपना झंडा नहीं बदला, पूरी दुनिया जानती है कि हमारा हिंदुत्व क्या है। दरअसल रविवार को राज ठाकरे ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर आजाद मैदान में एक रैली विशाल रैली निकाली थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए घुसपैठियों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी थी। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर पार्टी के विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे मेरा हिंदुत्व साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दिवंगत बाला साहब का हिंदुत्व है। मैंने अपना झंडा नहीं बदला है, एक व्यक्ति एक झंडा, ये तय है, दुनिया जानती है कि हमारा हिंदुत्व क्या है। और दोस्तों वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि मोदी समर्थकों पर बरसे दिग्विजय सिंह, बोले तुम्हारा हिंदुत्व मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाना।
जी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए कहा है कि मोदी शाह को सीए कानून को तत्काल वापस लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने मोदी समर्थकों पर नफरत फैलाकर वोट बटोरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और इसी नफरत की बदौलत लोगों से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी भक्तों, तुम्हारा हिंदुत्व केवल हिंदुओं को मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट बटोरने का है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि शाहीन बाग में चलता रहे लंगर, इसलिए शख्स ने बेच दिया अपना फ्लैट। जी हम बात कर रहे हैं कि पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली का शाहीन बाग इलाका नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े स्तर पर चल रहे प्रदर्शन का गवाह बना हुआ है। और इन दोनों महीनों में साउथ दिल्ली का ये इलाका कभी ट्रैफिक जाम तो कभी बिरयानी को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहा है। और यही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी शाहीन बाग का मुद्दा काफी गर्माया और नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हुई। दिसंबर से चल रहे शाहीन बाग के इस विरोध प्रदर्शन में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है वहां के धरने पर लोगों के लिए चल रहा लंगर। एक समुदाय के लोग यहां धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के लिए हर रोज खाने का इंतजाम करते हैं। ऐसे ही एक शख्स ने एडवोकेट डीएस बिंद्रा, जिन्होंने लंगर में खाने का इंतजाम करने के लिए अपना एक फ्लैट तक बेच दिया। जी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर चलाने वाले एडवोकेट डीएस बिंद्रा का कहना है कि उनकी कोशिश है कि यहां धरने पर बैठे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था बनी रहे। एडवोकेट डीएस बिंद्रा उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने शाहीन बाग में लंगर की व्यवस्था के लिए अपना एक फ्लैट बेचने का फैसला किया। आपको बता दें कि डीएस बिंद्रा ने बताया कि मैं यहां लोगों की सेवा के लिए लंगर शुरू किया था। इसके लिए जब मुझे रुपयों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने 3 फ्लैट में से एक फ्लैट बेचने का फैसला लिया। मेरे बच्चों ने मुझे सुझाव दिया कि गुरुद्वारे में दान देने के साथ साथ मैं ऐसे कामों के लिए भी आगे जाऊं। और दोस्तों, अगली खबर आ रही पश्चिम बंगाल बजट को लेके कि मुफ्त बिजली का ऐलान, 60 सालों से अधिक उम्र वालों को मिलेगी पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को 2020 और 21 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें सरकार ने नई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की तरह ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी मुफ्त बिजली की घोषणा की है। लोगों को तिमाही में 75 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके अलावा सरकार ने SC/ST समुदाय के लोगों के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत की है। आपको बता दें कि बंधु प्रकल्प नाम की नई योजना के तहत 60 साल से ऊपर के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि वारंट जारी होते ही अंडरग्राउंड हुए हार्दिक पटेल, किंजल बोली सरकार खुद को 30 मार खान ना समझे। जी हाँ, आपको बता दें कि अदालत से गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल बस्ते फिर रहे हैं। सिटी पुलिस कई दिनों से उनकी तलाश में जुटी हुई है। हार्दिक कहाँ भूमिगत हुए यह पता करने में पुलिस नाकाम रही है। और वहीं उनकी पत्नी किंजल पटेल सोशल मीडिया पर दुहाई दे रही है कि किंजल ने सोमवार को अहमदाबाद में आयोजित हार्दिक के समर्थकों के चिंतन शिविर को संबोधित किया, जिसमें किंजल ने गुजरात सरकार एवं पुलिस पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बता किंजल ने कहा कि हार्दिक पटेल को परेशान कर सरकार अपने आप को 30 मार खाना समझे, वक्त हर किसी का आता है। और दोस्तों, मैं अगली एक और खबर निकल कर आ रही है कि आरक्षण पर SC की टिप्पणी के बाद गरमाई सियासत। प्रियंका बोली कि बराबरी के अधिकार को कमजोर कर रही है बीजेपी। जी हम बात कर रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत ने नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कोटा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में जुट गई है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। RSS वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए। पहला कि RSS वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं और दूसरा उत्तराखंड की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील डालती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया
प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि तीसरा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार भी तुरंत आरक्षण के नियमों से छेड़छाड़ शुरू कर देती है। जी आपको बता दें कि बराबरी के अधिकार को कमजोर कर रही है बीजेपी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा ने पहले दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बने कानून को कमजोर करने की कोशिश की, इसके बाद अब संविधान और बाबा साहब द्वारा दिए बराबरी के अधिकार को कमजोर कर रही है। इसके पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ है, वह किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के संविधान से निकालना चाहते हैं। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाजवादी पार्टी के नेता ने किया विरोध, बताया संविधान के खिलाफ। जी हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इस बात का जिक्र किया है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए कोटा और आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जिस पर कई पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संविधान के खिलाफ है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्ति में आरक्षण के लिए बाध्य नहीं है और साथ ही पदोन्नति में आरक्षण का दावा करना भी कोई मूल अधिकार नहीं है। मामले में जज एल नागेश्वर राव और जज हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इस बात में कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।